हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्सम सॉल्यूशन। आज हम ACFFR का 30 नंबर का चैप्टर का पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से देखेंगे जैसा अब तक हमने देखा है, और इनको वन बाई वन देख लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर सेट किए हुए हैं। प्रॉबिलिटी को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों को याद है, फिर भी आपको लगता है कि शॉर्ट वीडियो की नीड है तो नीचे कमेंट कर देना। एनएफ कमेंट आया तो मैं डेफिनेटली इसकी वीडियो बना दूंगा। इसके बाहर पढ़ने की नीड नहीं है। ये चार्ट बनेगा, चार्ट या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक पेज पर लिख लो ताकि क्वेश्चन जो है आपके दिमाग से स्लिप ना हो। और क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले से ही निकल के आएगा। अच्छा, छोटी सी बात है, इंडिपेंडेंस ऑफर चल रहा है कुछ टेस्ट सीरीज पर, तो जाकर देख लेना उसको। और कुछ चीज़ें आगे तक भी रहेंगी इसमें, लेकिन कोर्स मटेरियल जो है वो 3-4 दिन तक रहेगा, तो जिसने नहीं लिया है जाकर देख लेना। उसके बाद आप नहीं, आप करोगे तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम से एक मंथ की मैं आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, एग्जाम से एक मंथ पहले ही हम इसको क्लोज कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं पीडीएफ की। पीडीएफ है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ज्योमेट्रिक होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो बहुत तरह के डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, बट आपके सिलेबस में तीन है तो आपको तीन ही पढ़ने हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है, ये नॉर्मल का है, और नहीं दिया तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको ऐसा नहीं करेगा कि आपसे कुछ और तरीके से पूछे, आपको डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन करेगा, और नहीं करता है तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ओके, बात समझ में आ गई। पीडीएफ है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, FxNCx, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स। क्लियर है बात? अब ये आपसे रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है, यहाँ पर पी क्या होने की प्रायिकता और क्यू क्या नहीं होने की प्रायिकता, तो दोनों का टोटल क्या होता है, वन। एक और बात दूसरी, ये आपका एन क्या है, एक्स क्या है, 10 में से एक चीज चूज करनी है, तो 10 क्या हो गया आपका एन हो गया, और एक क्या हो गया आपका एक्स। पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपसे फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है, या फिर आपको लैम्डा वगैरह की वैल्यू देके और यहाँ पर आपसे ये चीजें पूछ सकता है। तो लैम्डा की पावर एक्स, ई की पावर माइनस के लैम्डा अपॉन में आपका फैक्टोरियल एक्स। क्लियर है बात? ये आपसे रिप्रेजेंटेशन में पूछ सकता है। अब इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी चीजें देख लेते हैं, और ये बहुत ही सिंपल सा चार्ट के थ्रू आप इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं कुछ, मैंने वो भी लिए हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो पहले किसी एग्जाम में आए हुए हैं। माइनस के एक्स माइनस के म्यू, म्यू क्या होता है, मीन स्क्वायर, अलग सभी के लिए अलग अलग मीन होता है, तो ठीक है। सिग्मा क्या है यहाँ पर, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बात करते हैं मीन की। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपसे मीन पूछता है तो सिंपल सा मीन होता है इसका एन डॉट पी, एन आपको पता है, पी क्या है आपके होने की प्रायिकता, तो ये आपको देगा। इसके बाद बात करते हैं पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये आपका क्या होता है, मीन लैम्डा। अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे सिंपल है, मीन क्या होगा, वही म्यू होगा। ओके, मोड क्या होगा, मोड भी म्यू होगा, और आपका मीडियन क्या होगा, मीडियन भी आपका म्यू होगा। क्लियर? ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब मोड इसकी बात करते हैं पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मोड होते हैं दो, लैम्डा एन लैम्डा माइनस के वन। इस कंडीशन में भी मोड क्या होते हैं, दो होते हैं, एन प्लस वन इंटू पी एंड एन प्लस वन इंटू पी माइनस के वन। भाई देखो, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो सही लगे ना तो लास्ट में लाइक कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन है सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लाइक से फर्क ये पड़ता है कि दूसरे बच्चे के पास पहुंच जाती है चीज़, तो हमारा ये फायदा हो जाता है कि भाई दूसरे बच्चों के पास पहुंचेगी चीज़ तो वो पढ़ लेगा, एक ही जगह पे चीज़ें उसको मिल जाएंगी। अदरवाइज सारे बच्चे पूछ रहते हैं कि कहां से कर रहे हैं चीज़ें। मीडियन में क्या है, मीडियन आपका जो मीन रहता है वही आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन रहता है। अब इसके बाद जो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में मीन है, वो सॉरी मीडियन है, वो रहता है लैम्डा प्लस के 1/3 माइनस के 1/50 लैम्डा। आप इसको कैसे भी करो, आप इसको याद कर लेना, कंप्लीट क्वेश्चन इसी से आएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को मेंशन करते हैं सिग्मा से, तो यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एन पी क्यू का अंडर रूट, और पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है आपका, अंडर रूट लैम्डा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपका मीन रहा था म्यू, तो वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता है, सिग्मा। वेरियंस आप सब लोग जानते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ट्वाइस होता है, तो ये क्या हो गया आपका लैम्डा, और ये क्या हो गया आपका एन पी क्यू। क्लियर है बात? यहां तक सिंपल सा है, एक बार में आपकी टेबल बन जाएगी। अब बात करते हैं बीटा वन की। तो बीटा वन क्या है यहाँ पर, बीटा वन है आपका कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस। ये मैं आपको चीजें बता दूंगा, बट आप अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो आप सीधा सीधा इसको बना सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। क्यू माइनस के पी अपॉन में क्या होगा आपका सिग्मा, ठीक है। बीटा वन तो आपका ये हो गया, यहाँ पर बीटा वन क्या होता है, 1/σ, और यहाँ पर आपका बीटा वन क्या होता है, 0। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा वन यानी कि कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा वन। बीटा टू क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ कर्टोसिस। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस के 1 माइनस के 6
पी क्यू अपॉन में आपका सिग्मा स्क्वायर। क्लियर, यहां पर क्या लिखा जाएगा, वन अपॉन में सिग्मा स्क्वायर, ओके, या फिर वन अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या है, ओके, सिग्मा स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट किया है आपका, इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर ऐसा कर लो आप, इसको हटा दो यहां से, मैं इसको डायरेक्ट यही लिख देता हूं, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट यही लिख देता हूं, ये सारी चीज हटा देता हूं यहां से, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। आपका क्या है, क्यू माइनस के पी अंडर रूट के आपका एन पी क्यू, ओके, और इसमें क्या था, वन अपॉन में अंडर रूट के लैम्डा, और ये क्या है आपका सेम सीओ, ओके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा टू यानी कि कॉफिशियंट ऑफ कर्टोसिस कितना होता है, थ्री। पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में थ्री प्लस के वन अपॉन लैम्डा, एंड आपका ये क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो एन है, ठीक है, और बीटा टू यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका बीटा टू क्या होगा, थ्री प्लस के आपका वन माइनस के सिक्स पी क्यू अपॉन में आप अपॉन में आपका एन पी क्यू, ओके, ये तीन चीजें। इसके बाद आपका क्या है, ये थ्री प्लस में है, ओके, इसके बाद आपका एक वर्ड आता है एक्सेस कर्टोसिस, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल कुछ नहीं होता, बस आप यहां से क्या कर दो, थ्री माइनस कर दो, यानी कि बीटा टू से आप क्या करोगे, थ्री माइनस कर दोगे, तो आपका ये एक्सेस कर्टोसिस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो आपको पता लग गया ये जो है वन माइनस सिक्स पी क्यू अपॉन एन पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, एक्सेस कर्टोसिस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन लैम्डा फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यहां क्या हो जाएगा, जीरो फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बात, यहां पर क्या करोगे, बीटा टू माइनस के थ्री और बीटा टू माइनस के थ्री। क्लियर है बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आपको दो तीन चीज इंपॉर्टेंट और हैं इस टेबल के अलावा, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये है कि अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन इक्वल टू वन हो गया, क्लियर, तो वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन फिर भी बन जाता है किसी भी तरह से, तो आप बता सकते हो, और ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे भी आएंगे। अब दूसरी बात, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक चीज है इंपॉर्टेंट, कि अगर आपका एक्स माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा क्या है आपका, ये अगर जेड है, ठीक है, तो इसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्लियर बात, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है ताकि आपको क्या चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको ये पता लग जाएगी कि ये कहां यूज होते हैं कहां नहीं होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स इन सिक्स टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन इज, क्लियर, यानी कि एक निष्पक्ष सिक्के के छह टॉसेस में ठीक दो चित्त होने की संभावना क्या होगी। तो यहां पर बात है कि देखो ये जो प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट है, अब इसमें आपको नहीं बोला है, तो आप एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मान के चल सकते हो और उसी तरह से आप कर सकते हो। तो ये क्या है, सिक्के, सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो हेड होगा या फिर आपका टैल होगा। अब हेड होगा या तो हेड आएगा, तो होने की प्रायिकता क्या होगी, वन अपॉन टू, ठीक है, और ना होने की प्रायिकता भी क्या होगी, वन अपॉन टू, यानी क्या होगी, जस्ट आधी आधी होगी। अब इसमें बात करते हैं यहां पर कि आपको क्या है, एन की वैल्यू क्या दी है आपको, सिक्स, एक्स की वैल्यू क्या दी है, टू, ओके, तो यहां पर सीधा सीधा आप लगा दो, या तो आप सिंपल भी कर सकते हो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो कि सिक्स सी टू आपका पी यानी कि होने की प्रायिकता जो कि कितनी है आपकी, जो कि है आपकी वन बाई टू, तो वन बाई टू की पावर आपका टू और वन बाई टू की पावर आपका सिक्स माइनस के टू, ओके, सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा जो भी आपका आंसर होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट था। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस कॉफिशियंट ऑफ कर्टोसिस इफ 256 टाइम्स ऑफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड। क्लियर बात, अब यहां पर आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की गई है, लेकिन ये आपसे वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब चीज पूछी है। तो यहां पर आप क्या करोगे, सिंपल सा आपको मान के चलना होगा कि ये क्या है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब इसमें क्या गया आपका, देखो अब आपको सिर्फ एक ही वर्ड दिया है 256 दिया, और आपसे कितनी सारी चीजें पूछनी है। देखो पहली बात, आपका एन कितना है, 256 है, ठीक है, आपका यहां पर बात हो रही है कॉइन की, तो कॉइन में देखो दो पहलू होते हैं, तो होने की प्रायिकता भी एक बटा दो होगी, और ना होने की प्रायिकता भी क्या होगी, एक बटा दो होगी, या फिर एक में से सब्ट्रैक्ट कर लो, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, सबसे पहले पूछा है इसने एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब यहां पर मतलब होता है मीन से, ठीक है, तो आपका मीन क्या होगा, मीन होगा म्यू, ओके, तो मीन म्यू होगा इक्वल टू आपका एन पी, एन पी ये क्या होती है, एन पी आपने पढ़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू क्या होता है, एन पी। इसके बाद आपको यहां पर निकालना है क्या, वेरियंस, तो वेरियंस, वेरियंस क्या होता है, वेरियंस, वेरियंस था वहां पर आपका एन पी क्यू। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको ये चीज बताई थी, जो टेबल बनाई थी सिंपल सा वैसी था,
वेरियंस क्या है आपका एन पी क्यू, यहाँ पर एन की वैल्यू पता है, पी की पता है, क्यू की पता है, यहाँ पर एन की पता है, पी की पता है, बात क्लियर। इसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी आपका एच डी वो कितना था आपका अंडर रूट में एन पी क्यू, या फिर वेरियंस का क्या होगा आपका रूट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसने बोली है कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि आपका क्या बीटा वन, तो बीटा वन क्या था आपका क्यू माइनस के पी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में एन पी क्यू। क्लियर है बात, क्यू भी पता है, पी भी पता है, एन पी क्यू भी पता है। इसके बाद बात करते हैं हम कॉफिशियंट ऑफ कर्टोसिस, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा बीटा टू, तो बीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पता है थ्री प्लस के वन माइनस के सिक्स पी क्यू अपॉन में आपका एन पी क्यू। ठीक है, अगर आपसे यहां पर पूछा जाता है एक्सेस कर्टोसिस, क्लियर, एक्सेस कर्टोसिस पूछा जाता तो आप वो भी कर्टोसिस आप वो भी निकाल सकते थे, कैसे बीटा टू माइनस के थ्री से। ये आपसे सारी चीजें आपको क्या है पता लगी, यहाँ पर n की वैल्यू पता है, p की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है, आपसे इतनी सारी चीजें पूछ लेगा और हो सकता है तीन चार चीजें बनाकर पूछ ले, क्योंकि उसको क्या है नंबर का फिक्स है, उसको क्वेश्चन तो 120 देने, अब एक क्वेश्चन बड़ा कैसे बनाए, वो ज्यादा बड़ा बनाना है तो उसको यही चीज दो तीन चीजें मार्च करनी पड़ेंगी। क्लियर बात, तो ये आप देख लेना और सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें, आपको बस क्या करना है n की वैल्यू, p की वैल्यू, q की वैल्यू यही रखनी है, सिंपल। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं फाइंड द मीन ऑफ x इफ x इज ए पोजीशन वेरिएट सेटिस्फाइंग द कंडीशन p3 p4। क्लियर, अब यहां पर आपको बोला है कि भाई ये पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है, अदर बाइनोमियल समझने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आपको क्या दिया है p3 और जो p4 है वो बराबर है। ओके, p3 और आपको p4 बराबर दी है और यहां से आपको मीन पूछा है किसका, x का। ओके, ये चीज हो गई यहां तक। अब देखो एक बात देखो, आपने जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो नॉर्मल सॉरी पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन था, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में आपने एक चीज पढ़ी थी वो ये कि जो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था आपका, वो था आपका लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस के लैम्डा अपॉन में आपका फैक्टोरियल एक्स, यही था आपका इस, आपने ये चीज पढ़ी थी और यही चीज क्या होनी है यहाँ पर एप्लीकेबल, यहाँ पर क्या होनी है अप्लाई होनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं हम P3 की, तो 3 में क्या है यहाँ पर देखो ये जो एफ एक्स है वही आपका क्या है PX, यानी कि आपका क्या है x की वैल्यू 3 है। तो अगर मैं बात करूँ P3 की तो P3 क्या आ जाएगा आपका लैम्डा की पावर 3 e की पावर माइनस की लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो अगर होगी तो भी क्या बराबर थोड़ा कर सकते हैं उसको, तो फिर निकालेंगे क्या फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पर बात करते हैं जो P4 है जिसके बराबर ये है, तो P4 बराबर है आपका लैम्डा की पावर 4 e की पावर माइनस की लैम्डा अपॉन में क्या फैक्टोरियल 4। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि फाइंड द मीन, और पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या था आपका, मीन था आपका लैम्डा। ठीक है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन क्या था, मीन लैम्डा था, यानी आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए इसने कंडीशन दे दी है। तो यहाँ पर सीधा से इन दोनों को इक्वल करके नहीं निकाल सकतेगा, यहाँ से लैम्डा से क्यू से क्यू कट गया, एक लैम्डा बच गया, ई की पावर माइनस लैम्डा से ई की पावर माइनस लैम्डा कट गया, और यहाँ से आपका ये कट गया तो कितना बच गया 4 बच गया, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर बात, ये आपका क्या आ गया मीन आ गया। अगर आपसे कुछ भी पूछ लेता ठीक है तो वो भी आप निकाल सकते थे, सिग्मा वगैरह और कुछ पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन तो भी वो भी आप निकाल सकते थे। अब इसके बाद बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें, ये सिंपल अगर आपने टेबल पढ़ ली ना तो इसको आप कर सकते हो कैसे भी करके। फॉर इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पी माइनस के वन इज लेस देन जे जेड एंड लेस देन वन, ठीक है, टेस्ट सीरीज में हमने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है चीजों को, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आप इस चैप्टर पढ़ने के बाद उसको देना और ये ट्राई करना कि आपके सारे क्वेश्चन हो। ठीक है, आपके जो सिंपल सिंपल जो चैप्टर है मैंने उसकी एक वीडियो बना रखी है तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, फॉर ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पी माइनस वन इज लेस देन जेड इज लेस देन वन, और आपको दो कंडीशन दी है कि एक आपको ये दिया हो और आपको ये दिया हो और ये आपसे पूछा है। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे हो कि ये पी क्या है, देखो पी एक से छोटा है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, लाइन थोड़ी सी अजीब सी बन गई है, ये देखो ये आपका क्या है ये वन है। क्लियर बात, अब वन से क्या है ये कम, ओके, और ये क्या है आपका माइनस वन, और ये क्या है दूसरा वाला माइनस वन से कम, दिख रहा है जेड क्या है, यहाँ पर जेड की बात कर रहा हूँ, जेड क्या है माइनस वन से भी कम है और इस कंडीशन में क्या है वन से कम है, यानी कि ये वन से कम की वैल्यू इतनी दे रखी है और माइनस वन से कम की इतनी दे रखी है, उसने पूछा क्या है माइनस वन से जेड की वैल्यू पूछी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ पूछी, तो आपको ये पता लग गया होगा कि भाई 0.841 में से 0.1587 सब्ट्रैक्ट करना है, यही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बात, तो 0.841 में से 0.1587 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे
तो सिंपल सिंपल 0.6768 के समथिंग वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये आपकी चीजें थी। अब आपको कुछ करना ही नहीं था, इसको लिखेंगे किस तरह से देख लो आप। पी जेड इज लेस देन वन और पी प्लस के पी इज लेस देन माइनस के पी जेड लेस देन माइनस के वन क्या हो जाएगा, जो आपसे पूछा है वही हो जाएगा। आपको तरीका समझ में आ गया, सिंपल सोपर कंसेप्ट था, यही आपका तरीका है। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बेसिकली ये पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके दूसरे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर ये टॉपिक आता है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो ये जो टेबल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में इससे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी, तो इनको बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। और ये जो प्लान आपको दिया हुआ है ये 2 दिन तक रहेगा, कुछ प्लान 2 दिन तक हैं, उसके बाद कुछ और भी हैं जो आगे तक रहेंगे, तो इनको आप टेस्ट सीरीज को लो और बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और इसको आप स्क्रीनशॉट लो या फिर आप अपने कॉपी में लिखो, कैसे भी करो, यही आपका सार है इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। ओके गाइज, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ें हैं, कुछ और अगर आपको जानना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, लाइक कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ।